ओ भाई तेरे को कुछ हुआ तो नहीं? बेचूंगा इसको दिवाली पे भाई, पैसे ही पैसा। ये शायरी मैंने लिखी थी अपनी बंदी के लिए। रातों में तेरा तकिया बन जाऊं, रातों में तेरा तकिया बन जाऊं। हेलो गाइस, आज के व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो, शेयर भी कर दो, क्योंकि यार ये दिवाली शिवाली ठीक है। दिवाली पे मेरे दोस्त यार नमक कुर्ता सिवा रहे हैं। यार मेरे से पूछ रहे कि कौन सा कलर सिलवाए, लड्डू पीला कलर या माउस कलर। ठीक है जी। यार मैं इधर पूछ रहा हूँ कि यार पोछा कहाँ पे रखा, यार पोछा शोचा मारना, झाड़ू मारना, यार जाले शाले लग गए, मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ और वो नया लड्डू पीला कलर सिलवा रहे हैं। यार तेरी शक्ल तो चूहे से मिलती है, तो चूहा कलर सिलवा यार, वो सूट करेगा तेरे पे। सिर्फ 3-4 दिन से मैं सफाइयाँ कर रहा हूँ लगातार अपने घर की, मैं नहाया भी नहीं हूँ यार। आए आए, 3-4 दिन से मैं सफाइयाँ वगैरह कर रहा था दूसरे कमरे में, और यहाँ पे देखा अपने कमरे की हालत तो बहुत ज्यादा ही बुरी हो गई थी यार। जाले शाले लग गए इतने ज्यादा, एक यार 3-4 दिन में इतना बुरा हाल, अगर सफाई नहीं करते बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। एक सेकंड, अपना कमरा कमरा चाहे अपना ना हो लेकिन अपना बोल के लेवल आ जाता है यार, अलग सा मस्त। तो कमेंट में बताओ कि कौन कौन दिवाली पे अपने घर की सफाई खुद करता है। यार ये कूलर कहाँ से आया यार? ओ भाई तेरे को कुछ हुआ तो नहीं? ओ भाई तू ठीक है ना भाई? अभी बेदखल हो जाता मैं घर से। अच्छा। सब लोग दिवाली पे नई शॉपिंग कर रहे हैं, बम पटाखे ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, कुर्ता सिवा रहे हैं, मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ। सफाई अन्याय हो रहा है मेरे साथ, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। पोचा ला दो, मैं झाड़ू भी दे देना, मैं वो जाल उतार दूंगा। मकड़ी लगाती है जाले, हाँ मैं आलस के मारे, इतना दर्द तब भी नहीं होता जब हम बैक की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अगले दिन जाके दर्द होता, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता भाई। जब झाड़ू मारते हैं, जब पोछा मारते हैं, जब घर की सफाई वगैरह करते हैं ना, तो भाई दर्द उसी वक्त होता है। पोछा मारते मारते कमर में हो जाएगा दर्द, ठीक है। तो भाई मम्मी के साथ हेल्प करवाया करो, मदद करवाया करो, उनके काम में हाथ बटाया करो, ठीक है। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। इसको मैं जा रहा हूँ फेंकने के लिए, इसकी वजह से अभी मैं बेदखल हो जाता घर से। पहले थोड़ी शोल्डर की एक्सरसाइज तो कर लो। बन गई बॉडी। अरे अरे 3D शोल्डर। मजाक कर रहा हूँ। असली खुशी का राज पता क्या है? कि पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप दुखी हो, यही खुशी का राज है। मैं नहीं दुखी हूँ भाई। तुम बम फोड़ो, जाओ बम फोड़ो, मैं तो सफाई कर रहा हूँ भाई। तू बम फोड़, मैं सफाई कर रहा हूँ इधर, मैं खुश हूँ, तू बम फोड़। पर हाँ सुन, सब्सक्राइब कर दियो, बम फोड़ तू जा, मैं सफाई कर रहा हूँ, शाम को मिलूँगा अगर जिंदा रहा तो, सफाई करते करते। ये देखो, मेरे को ना ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है, ये ऐसी चीज़ें नहीं, अभी दिखाता हूँ कैसी चीज़ें। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो भाई लाइटें शाइटें भाई, ये तुम्हारे भाई ने खुद बनाई है खुद। ये बोतल ले ली थी मैंने कहीं से, और कहीं से लाइट ले ली थी, तो बस बन गया जुगाड़, अब बेचूंगा इसको दिवाली पे भाई, पैसे ही पैसा, मजा आ गया। लोग बनाते हैं बड़ी बड़ी अलमारियां, वो ड्रॉप, उसमें रखते हैं कपड़े, मैं अपने कपड़े किसमें रखता हूँ भाई, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, इसमें, इस ड्रम में भाई। लगता है मेरे को कूड़ेदान से उठाया, मैं रखता हूँ भाई इसमें, यूनिक सबसे ड्रम में भाई, कोई नहीं रखता हुआ ऐसे, मैं रखता हूँ, लेवल है भाई मेरा। और ये मैं अपने फ्यूचर को बता रहा हूँ भाई, धूल मिट्टी से मेरी जानी दुश्मनी है यार,
तो मैं इससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, लेकिन ये मेरे को दूर रहने नहीं देती। तो भाई अभी मैं सारा सामान सुमून निकाल चुका हूँ बाहर, और मेरे कमरे की हालत हो रही है ऐसी गंदी सी। ठीक है, गंदी सी हो रही है वो, आप तो देख ली गंदगी, आप देख लेना मेरी सफाई, चमका दूंगा एकदम। आहा, इस लाइट से भी ज़्यादा मेरा कमरा चमकेगा। और ये जाले देख रहे हो मेरे इधर साइड में, भाई एक सेकंड नहीं लगता भाई इसको मकड़ी को बनाने में, एक सेकंड। अभी बस थोड़े दिन पहले मैंने सफाई वगैरह करी थी और फिर लग गया इतने जाले। भाई मकड़ी सकड़ी को मिलने तो पूछूंगा यार, इतना टैलेंट मेरे को भी दे यार थोड़ा सा। मेरे को आज पता चला मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ, सफाई वाला हूँ। निकल लो भाई, लास्ट वाला व्लॉग तो मेरी बंदी ने भी देख लिया, अब उसको डर लगने लग गया कि मैं उसको ये ना कह दूँ कि आजा मेरे साथ सफाई करवा ले। चार दिन से ब्लॉग पढ़ा हूँ, मान जाओ ना बाबू, मान जाओ, मान जाओ बाबू, मान जाओ यार बाबू। तो भाई जाले में फंसा पड़ा था ड्रैगन फ्लाई, भाई छुड़ा के लाओ भाई, मकड़ी चूस गई है इसको पूरा, भाई पूरा चूस गई मकड़ी इसको, मर चुका है ये भी। भाई ये शायरी मैंने लिखी थी अपनी बंदी के लिए, जो कि शायद अभी पैदा भी नहीं हुई होगी। रातों में तेरा तकिया बन जाऊं, रातों में तेरा तकिया बन जाऊं, पागल बाल तो धो लिया कर, बदबू से ही मर जाऊं। और ये देखो भाई गेंदे शेंदे, भाई ये गोल्फ की, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो बंदों का नाम आता है टॉप पे गोल्फ में, पहले नंबर पे हूँ मैं, ठीक है, दूसरे पे पता नहीं कौन है। और भाई मेरा काम है बोले शोले उठाना। मजाक कर रहा हूँ यार, ये इतनी ज़्यादा बाउंस करती है ना, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भाई, तुम्हारे भाई ने कमरा चमका दिया एकदम मस्त। और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, अभी के लिए बाय गाइस। लेकिन जो काम सबसे ज़्यादा छोटा लगता है, वक्त सबसे ज़्यादा उसी में लगता है।